हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ बढ़ती ही जा रही है। समुद्री लुटेरों को खदेड़ने के नाम पर चीनी सेना अक्सर पड़ोसी देशों की सीमाओं में अतिक्रमण करती आ रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सामरिक महत्व वाला ग्वादर बंदरगाह पर चीन की उपस्थिति लगातार बनी हुई है, जो भविष्य में भारत के लिए खतरा बन सकती है। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए भारत की नौसेना के बेड़े को अब परमाणु पनडुब्बियों से लैस किया जा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने बताया कि नई एटमी पनडुब्बियों के निर्माण का काम चल रहा है। भारत के पास इस समय INS अरिहंत और INS चक्र नाम के दो परमाणु पनडुब्बी है। अरिहंत के अभी परीक्षण चल रहे हैं और चक्र को रूस से लीज पर लिया गया है, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि नौसैनिक बेड़े को अभी और अत्याधुनिक बनाने के लिए 6 एटमी पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह खास परियोजना है। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि भारतीय युद्धपोत हिंद महासागर की सभी सीमाओं पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि चीनी पनडुब्बी हिंद महासागर में लगातार गश्त कर रही है। उन्होंने कहा कि जब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच बहुचर्चित गठबंधन होता है, तो नौसेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाएगी, जो महत्वपूर्ण समुद्र स्थलों पर भूमिका के लिए नौसेना की तैयारी को प्रदर्शित करेगा।